Hey guys, welcome back to my channel Spoon with Fork. Hope you're doing really great. So, आज हम बनाने जा रहे हैं मकर संक्रांति स्पेशल मखाना तिलगुड़ चिक्की। आप इसे मखाना रेवड़ी भी बोल सकते हैं, बहुत ही इजीली बनके तैयार हो जाती है। चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड एंड चेक आउट द रेसिपी। एक पैन ले लेंगे हम और उसमें ऐड करेंगे हम 2 टेबलस्पून घी और इसी में हम ऐड कर देंगे 2 कप मखाने। अब घी में हम मखानों को अच्छी तरह से भुनेंगे जब तक ये अच्छी तरह से क्रिस्पी ना हो जाए। घी की हेल्प से मखाने काफ़ी अच्छी तरह से क्रिस्पी हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू तेल में इसे भुनने से। सो जहाँ तक आप ट्राई कीजिए इसे घी में ही भुनिए ताकि ये काफ़ी अच्छी तरह से क्रिस्पी हो जाए। 2 से 3 मिनट के लिए इसे हम इसी तरह से मीडियम फ्लेम पर भून लेंगे। यहाँ पर हमारे मखाने अच्छी तरह से क्रिस्पी हो चुके हैं। अब मखानों को साइड में निकाल के हम सेम पैन में हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून घी और इसमें ऐड करेंगे हम 1/2 कप गुड़। यहाँ पे मैंने ऑर्गेनिक गुड़ लिया है, आप कौन सा भी गुड़ यूज़ कर सकते हैं। और गुड़ ऐड करते ही इसमें हम मिला लेंगे थोड़ा सा पानी, लगभग 1 से 2 टेबलस्पून पानी इसमें ऐड कर लेंगे हम ताकि गुड़ हमारा अच्छी तरह से पके। अब मीडियम फ्लेम पे हम गुड़ को पकाएंगे। गुड़ को थोड़ा सा तोड़ के इसमें ऐड करने से गुड़ का जो कुकिंग प्रोसेस है वो जल्दी हो जाता है। इसे हम इसी तरह से चलाते हुए भुनेंगे, पकाएंगे 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर ताकि जब हम मखाने इसमें ऐड करें तो उसके ऊपर के लेयरिंग काफ़ी अच्छी और क्रिस्पी हो। सो 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं गुड़ हमारा काफ़ी अच्छी तरह से मेल्ट हो चुका है और ऊपर से काफ़ी बबल्स आ रहे हैं इसमें। सो इसी स्टेज तक हमें गुड़ को पकाना है। अब इसमें हम ऐड कर लेंगे 1 टेबलस्पून तिल। एक बार और इसे हम मिक्स कर लेंगे, कुछ सेकंड्स के लिए इसे और पकाएंगे। अब इसमें हम ऐड कर देंगे जो मखाने हमने रोस्ट करके रखे थे घी में वो। अब अच्छी तरह से हम मखानों को घी में कोट कर लेंगे। इसे हम थोड़ी देर और पकाएंगे जब तक कि ये जो गुड़ आप देख रहे हैं लिक्विड फॉर्म में है ये अच्छी तरह से ड्राई ना हो जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं गुड़ अच्छी तरह से हमारे ड्राई हो चुके हैं। अब इन्हें हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। अच्छी तरह से सभी को हम फैला लेंगे। अब इसके ऊपर से थोड़ा सा तिल हम और स्प्रिंकल करेंगे ताकि ये और अच्छे दिखे। अब हाथों को थोड़ा सा हम गीला कर लेंगे और इसे हम अलग करते हुए जाएंगे। हमें सारे मखानों को अलग कर लेना है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कितनी अच्छी तरह से बनके तैयार हो चुके हैं। डू ट्राई दिस रेसिपी एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि आप सभी को ये मजेदार रेसिपी कैसी लगी। बहुत ही आसानी से कम मिनटों में बनके तैयार हो जाती है ये। सो आप सब जरूर ट्राई कीजिएगा इस मकर संक्रांति। होप्स आप सभी को ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को जरूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूले। अब अगली वीडियो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू, टेक केयर, बाय।